हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेम यूट्यूब चैनल सिल्वर वेल्स ई लर्निंग ऐप। इन आवर लास्ट प्रीवियस टू और थ्री लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया था अबाउट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स, वो सारे डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर इज ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जाम इज कंसिडर्ड। ऑल द रिलेटेड डायग्राम्स आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट टू ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ देम। होपफुली ऑल ऑफ यू विल हैव ड्रॉन ऑल द डायग्राम, बिकॉज each and every topic of this chapter is associated with the diagram. So today start with sexual mode of reproduction. As far as sexual mode of reproduction is concerned, we have already discussed that two parents are involved in this type of mode of reproduction, that means male and female. Here male and female, two gametes are fused to form a zygote. This is the first step of sexual mode of reproduction. So what are the specific features that I have already told you, ki isme specific features kya hai, how दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इसमें वेरिएशंस होते हैं तो क्यों होते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो उसमें वेरिएशंस होते हैं, नई स्पीसीज बनती है, तो इसके सारे इंपॉर्टेंस और सारी करेक्टर्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हियर व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस दैट इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन both the parent are involved. Second, male gamete means cell, and female gamete fuse to form zygote. So ये बहुत काम की चीज है आपकी, मेल सेल फीमेल सेल, इन्होंने जो नया सेल बनाया है इसमें मेल के करेक्टर्स भी हैं और फीमेल के करेक्टर्स भी हैं। सो दिस इज नोन एज zygote, और ये जायगॉट बाद में जब मल्टीप्लाई करेगा, एक सेल से डबल सेल, डबल से फोर सेल, फोर से एट टू 16, 32, 64 एंड सो ऑन, इस वे में जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसमें मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के करेक्टर्स इंक्लूड होंगे। सो जायगॉट इज द इनिशियल स्ट्रक्चर। इसमें दो बेसिक प्रोसेस है, एक फ्यूजन ऑफ द मेल जायगॉट और द प्रोडक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फ्यूजन, एक स्टेप ये, और दूसरा स्टेप ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एक स्टेप ये और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट। ये दो मेजर स्टेप्स हैं जहां तक अभी आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सर
Before we go in detail about the sexual reproduction in the plants, we should brief all the process of sexual reproduction in the plants. So, dear friends, as far as sexual reproduction in plants is concerned, तो all the flowering plants, सारे के सारे flowering plants जिनको हम angiosperms बोलते हैं, sexual reproduction केवल उन plants में होगा जिसमें flowers reproduce होते हैं. Flowers का production जहाँ होगा वहीं पर sexual reproduction of the plants होगा. And the plants which don't have flowers, they don't reproduce sexual mode of reproduction. First important thing. So, the reproductive parts of the plants resides within the flower and seeds resides within the fruits. This is the major thing, right? In flowering plants, male and female reproductive parts reside within the flower. First, the most important thing. The second, seed lie within the fruits और ऐसे plants को हम बोलते हैं angiosperms. Such plants are known as angiosperms. This we have discussed in 9th class also, that what is the angiosperm. Examples की बात करें तो rose, hibiscus, mustard एंड ऑल, ये सारी की सारी चीज़ें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएंगी. एंड आइडियली हम हिबिस्कस, रोजा, सिनेंसिस, हिबिस्कस को डिस्कस करते हैं जब भी हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडीज करनी होती है. मेनली हिबिस्कस इज द प्लांट विच वी स्टडीड अंडर. अभी देखो एक चीज़ और मैं कि सम ऑफ द प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर यूनिसेक्चुअल. इसका मतलब क्या है? बाइसेक्चुअल एंड यूनिसेक्चुअल, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए लाइक रोज, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ये सारे के सारे प्लांट्स, इनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में होंगे. सो both male and female reproductive parts are present within the same flower is are known as a bisexual flowers or bisexual plants. Unisexual plants mein kya hai? Such plants or such flowers which have only male or only female, either male reproductive parts or female reproductive parts, those are known as unisexual flowers. Or isme papaya and watermelon are the major examples. Papaya and watermelon major examples है. इसमें male plant अलग होगा, female plant different होगा, ठीक है? अगर farming background से कुछ है students तो उन्हें पता होगा कि पपाया में भी कुछ प्लांट्स पर पपाया का फ्रूट आता है, कुछ प्लांट्स में पपाया का फ्रूट
नहीं आता है। कुछ प्लांट्स में केवल मेल पपाया प्लांट्स में उसके पॉलिनेशन के लिए लिटिल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, अदरवाइज फीमेल प्लांट्स में ही पपाया की फ्रूटिंग्स होती है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते क्या हैं एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न? अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बात कर लें व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स अगर हम डिस्कस करें तो पहले बात करते हैं सेपल्स, सेकंड वन इज पेटल्स, थर्ड स्टेमेन एंड फोर्थ इज कार्पल। मैं एक फ्लावर के रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें जो ये पार्ट्स हैं, किसी भी फ्लावर का लोअर पार्ट, किसी भी फ्लावर का लोअर पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है दैट इज़ नोन एज सेपल्स। कलर्ड बड़ा वाला पार्ट इनको बोलेंगे पेटल्स। कलर्ड बड़ा वाला पार्ट इसको बोलेंगे हम पेटल्स। एक कोई भी फ्लावर लो, उसके जो स्टैक है ये है स्टैक, और इसके पास में जो ग्रीन कलर के छोटे पार्ट्स हैं दीज आर नोन एज सेपल्स। इसके ऊपर कलर्ड बड़े पार्ट दोज आर नोन एज पेटल्स। अब बात करेंगे स्टेमेन और कार्पल की। स्टेमेन और कार्पल दोनों में सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज स्टेमन। स्टेमन के भी दो पार्ट हैं, एक एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। कार्पल्स की बात करें इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं। इसमें दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस वन इज नोन एज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेपल्स एंड पेटल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिगार्डिंग दिस वी हैव ए कंप्लीट डायग्राम दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है
Beyond that, male reproductive part, as far as stamen is concerned, anther and filament, stigma, style and ovary cumulatively forms the carpel or the pistil. डिटेल में अगर बात करें तो व्हाट इज द एंथर, दिस सिंस दिस इज द मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मोस्टली बाइलोब एंड इट कंटेन्स द पॉलन ग्रेन्स. इसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे. बाइलोब मीन्स दो लोब्स का बना होता है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और भी लोब्स होते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग टाइप के लोब्स होते हैं. एंड दिस इज द फिलामेंट, ये फिलामेंट एंथर को फ्लावर के बेस में, यहाँ पर फ्लावर के बेस में अटैच कर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो दिस इज पिस्टिल और द कार्पल. स्टिग्मा, स्टिग्मा ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक करते हैं. तो दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन जब इसमें मूव करेगा, दिस नेक लाइक पार्ट, लॉन्ग थ्रेड और नेक लाइक पार्ट इज नोन एज स्टाइल. एंड एट द बेस वी हैव ओवरी, और ओवरी में वी हैव ओव्यूल्स. डिपेंडिंग कौन सा फ्लावर है उसमें कितने ओव्यूल्स होंगे, इट डिपेंड्स. बेसिक स्ट्रक्चर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंथर एंड फिलामेंट दिस वी हैव डिस्कस्ड. आफ्टर दिस फ्यूजन ऑफ एंथर एंड ओव्यूल दैट मीन्स द पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन. सो व्हाट आर द सेल्फ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अब यहाँ पर मैं इसको स्टिग्मा बना एंड स्टेमेन बना रहा हूँ. एक जो यहाँ अटैच होंगे ये देखिए, एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के स्टेमेन में से पॉलन ग्रेन्स ओवरी में आएंगे. यानी पॉलिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में से अगर पॉलिनेशन, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में से या किसी दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन होकर के स्टिग्मा के ऊपर इसके एंथर से, इस एंथर से पॉलन ग्रेन से ये इसी फ्लावर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक कर गए तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन. अगर ये एंथर्स कहीं और जाकर के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच होंगे तो दिस विल नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन एंड दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर एंड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स दिस विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट. अभी तक जितना पढ़ा है इसके नोट्स डायग्राम के साथ कंपेयर करके जाओगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर इजियर हो जाएगी, हमारे समझने के लिए इजी हो जाएगा. एज फार एज नोट्स आर कंसर्न, सो दिस ईयर ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है. तो मैक्सिमम ऑफ कवरिंग विल बी गिवन फ्रॉम द सेम नोट्स एंड सेम सिलेबस, राइट. सो एवरी टॉपिक
that have been taught this year is definitely more important. Since 30% of the syllabus has been reduced, तो जो पढ़ाया गया है उसमें से ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर होने वाला है इन अवर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक टिल नेक्स्ट लेक्चर.